हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है स्मार्ट स्लाइड बार यूज़ कैसे करें और ऑन कैसे करें, इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको सेटिंग को ओपन करना है सबसे पहले, और ये इसे स्मार्ट स्लाइड बार कहते हैं। तो इसे कैसे इनेबल करेंगे बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हम सेटिंग में आ चुके हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर क्या स्क्रॉल करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट स्लाइड बार, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इनेबल है। इसको मैं ऑफ कर दूँगी और मेरा जो स्मार्ट स्लाइड बार यहाँ पर आता है वो नहीं आएगा। एंड इसको मैं इनेबल कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ चुका है मेरा ये, इसे कहते हैं। और इसे यूज़ कैसे करते हैं, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें सभी ऐप होते हैं, लेकिन वो ऐप जो है आपको ऐड करने होते हैं। तो यहाँ से आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ से ऐप जो है ऐड कर सकते हैं। और जो ऐप की आपको ज़रूरत नहीं है उसको आप हटा भी सकते हैं। ये टूल्स हो गया, ये टूल्स भी ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पर ऐप भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फाइल मेरे को नहीं चाहिए एंड मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया। और इनमें से आप प्ले स्टोर ले सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। और डन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, ऐसे अपने फ़ोन में जो है स्मार्ट स्लाइड बार का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको स्मार्ट स्लाइड बार यूज़ करना आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।